नमस्कार दोस्तों मैं मनी स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज आपके सामने जो जनरल साइंस का प्रश्न होगा वो हमारे केमिस्ट्री से होगा पीरियडिक टेबल से बहुत सारे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं टीसीएस का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पीरियडिक टेबल का भी बैटेज दिया गया है पहले पीरियडिक टेबल से पूछे नहीं जाते थे पूछे जाते थे तो एकदम से इजी पूछे जाते थे तो हम पीरियडिक टेबल को आज देखेंगे उससे रिलेटेड दस क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन राइज किया गया है इन सभी क्वेश्चनों में देखते हैं पहला क्वेश्चन है विच हैज़ मैक्सिमम कंडक्टिविटी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन चारों ऑप्शन में से किस में है तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो कॉपर की है अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा एक्चुअल में होती किसकी है सबसे ज़्यादा सिल्वर की होती है जिसको हम ए जी लिखते हैं अर्जेंटम जिसका लैटिन नेम होती है उसके बाद होती है कॉपर की उसके बाद होती है गोल्ड की जिसे हम ए यू लिखते हैं जिसको हम लैटिन में कहते हैं औरम ठीक है लैटिन नेम भी पूछा जाता है हालांकि अब वो नहीं पूछा जाता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो केमिस्ट्री जैसा ही वर्ड पूछा जाएगा कि औरम किसका मतलब कि लैटिन नेम है ये सभी पुराने जमाने में पूछे जाते थे ठीक है हालांकि पूछे जा सकते हैं कई एग्जामों में तो बता दिया मैंने तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होती है अर्जेंटम की दूसरा अर्जेंटम जिसे कहते हैं सिल्वर दूसरा कॉपर तीसरा गोल्ड यही तीनों में से कन्फ्यूजन रहती है और यही तीनों में से पूछा जाता है तीनों ऑप्शन दे दिया जाएगा जा 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 जा, और पूछा जाएगा जा जा, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होती है ठीक है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है जो आपके पास डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है क्या कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं संक्रमण तत्व अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे होता है यहाँ पे होता है एस ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे एस यहाँ पे एक ग्रुप होता है यहाँ पे एक ग्रुप होता, होता है एक यहाँ पे होती है तो ये एस ब्लॉक हुआ ये पी ब्लॉक हुआ यहाँ पे जितने एलिमेंट हो गए वो पी ब्लॉक के हो गए यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए यहाँ पे एफ ब्लॉक के एलिमेंट हो गए ठीक है तो ये वाला जो पूरा आपका होता है उसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण एलिमेंट कहते हैं तो समझ में आ गई कि डी ब्लॉक कहाँ पे होता है एस पी डी एफ ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं द लाइटेस्ट मेटल इज सबसे हल्की धातु कौन सी है देखिए सबसे हल्की तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन है लेकिन अगर धातु की बात की जाए तो सबसे हल्की धातु लिथियम है अब लिथियम कहाँ पे होती है लिथियम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है यहाँ पे हाइड्रोजन उसके बाद हेलियम यहाँ पे लिथियम होती है ठीक है लिथियम यहाँ पे होती है इस ब्लॉक में तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं लेकिन एक्सेप्शन क्या है हाइड्रोजन इसमें मेटल नहीं है वो नॉन मेटल है और नॉन मेटल जो होते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो एस ब्लॉक में होते हुए भी नॉन मेटल है तो सबसे हल्की धातु यहाँ पे जो भी रहते हैं वो सभी धातु होते हैं तो सबसे हल्की धातु इधर हाइड्रोजन होनी चाहिए लेकिन हाइड्रोजन क्या है धातु नहीं है ये अधातु है तो उसके बाद कौन सा है लिथियम यानी कि लिथियम सबसे हल्का धातु है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में होती है देखिए मैं आपको ये बता दूं कि तरल अवस्था में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आपको एक पीरियडिक टेबल दिखाता हूँ उसके थ्रू आप देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो एलिमेंट है वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है एट द रूम टेम्परेचर अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो देखिए सोडियम कभी भी आपको लिक्विड स्टेट में नहीं दिखेगा अगर आप प्रयोगशाला में गए होंगे सोडियम का आपने रिवन को जलाया होगा एक एक्सपेरिमेंट भी करना होता है केमिस्ट्री में सोडियम का रीवन जला के तो वहाँ पे आप देखेंगे सोडियम का रिवन है तो रीवन ऑब्वियस है कि सॉलिड में रहेगा ये ब्रोमीन है और ये मरकरी है और ये सीजियम है ये सभी क्या है ये सभी लिक्विड स्टेट में रहते हैं एलिमेंट अब देखिए ब्रोमीन है वो क्या है नॉन मेटल है ये क्या है एच जी यानी कि आपका मरकरी मेटल है सीजियम भी मेटल है अब देख लेते हैं ये सभी होते कहाँ पे है देखिए यहाँ पे आपको मैं एक पीरियडिक टेबल दिखा रहा हूँ ये इधर जो जा रहा है इधर जो जा रहा है वो पीरियड है और ऊपर से नीचे हम जाते हैं उसको कहते हैं ग्रुप तो पहले इसमें देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन से एलिमेंट लिक्विड अवस्था में है लुबेडियम होता है सीजियम होता है फ्रांसियम होता है और आपके इधर तक ये मरकरी हो गया और इधर नॉन मेटल में ये हो गया ब्रोमीन ये सभी एक दो तीन चार पाँच ये सभी हैं लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं तो एक बार फिर से हम आपको बता दें लुबिडियम है सीजीएम है फ्रांसियम है यानी कि फर्स्ट वाला जो ग्रुप है उसी में तीन मिल गए हैं आपको उसके बाद पारा के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वो लिक्विड स्टेट में रहता है और ब्रोमीन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कई बार तो आपको सिर्फ ये तीनों याद रखनी है अगर ये तीनों याद रखते हैं तो ऑप्शन में जो भी कुछ दिया रहेगा उसमें आप आसानी से टिक कर सकते हैं छाट सकते हैं तो ये चीज़ें याद रखनी है कि आपको कि कौन कौन से इसमें पेरिडिक टेबल में रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में, में पाया जाता है अब अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं इसमें आपको पता चल गया कि इस सोडियम इसमें है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं अधिकतम घनत्व वाला धातु कौन सा है अधिकतम घनत्व वाला डेंसिटी वाला धातु आपने जीके में भी डटा होगा कि ओसमियम ठीक है ओसमियम सबसे भारी होता है तो आपको ये तो याद ही होगा इसको समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं अगला क्वेश्चन है सबसे समान लेंथेनाइड कौन सा है समान लेंथेनाइड यानी कि लेंथेनाइड कहाँ से शुरू होता है ये पूछा जा रहा है इसका आंसर होगा सीरियम अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कीटायन अब देखिए कि इसमें जो भी कीटायन दे रखे हैं उसमें से सबसे छोटा कीटायन कौन सा है तो देखिए जो भी नेचुरल स्टेट में रहते हैं उससे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो और भी छोटा हो जाते हैं लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो उसका साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है जैसे सपोज एन है ठीक है, है एन ए है एन ए अगर न्यूट्रल है तो सपोज इतना बड़ा साइज़ है इसका ठीक है इसके जो एटम है उसके इतने बड़े साइज है लेकिन अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा एन ए प्लस बन जाएगा जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगी वो जो कम इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको आसानी से खींचेगा देखिए ज़्यादा आदमी रहेंगे तो उसको खींचने में दिक्कत होगा आदमी को समझ लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक निकल गया तो लगेगा इसको अंदर वाला जो प्रोटोन है उसको लगेगा कि अच्छा इलेक्ट्रॉन तो एक निकल गया तो अब जो बचा है उसको हम आसानी से खींच सकते हैं ज़्यादा था इसलिए नहीं खींच पा रहा था लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको आसानी से खींच लिया तो यानी कि इसका जो रेडियस है वो और सिकुड़ गया खींचेगा तो सिकुड़ेगा यानी कि केटायन के जब बनता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज बनता है तो उसका जो साइज़ होता है वो सिकुड़ जाता है छोटा हो जाता है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना सिकुड़ता चला जाएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाले दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो और भी छोटा हो जाता लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ गया यानी कि एन ए माइनस बन गया एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया तो और भी बढ़ गया तो अब देखिए और खींचने की क्षमता ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे उतना खींचने की क्षमता कम जाएगी इस वजह से इसका जो साइज़ है वो फैलना चालू हो जाता है यानी कि इलेक्ट्रॉन जब आता है तो फैलता है इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो सिकुड़ता है न्यूट्रल रहता है तो जो भी साइज उसका होता होगा वो होता है ठीक है तो देखिए एन ए प्लस है एक है एम जी टू प्लस एक है एफ ई फ्लोरिन माइनस एक है एक है बेरियम टू प्लस वेरियम की बात करते हैं बेरियम कहाँ पे है यहाँ पे है ठीक है यहाँ पे ठीक है। और इधर जाते हैं सेम पीरियड में अगर इधर जाते हैं तो जो साइज होती है वो एटम की कम होने लगती है या एलिमेंट की कम होने लगती है और ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ने लगती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि एक सेल बढ़ता हुआ चला जाता है इस पीरियड में जो भी सेल होगा सपोज इसमें इस पीरियड में चार सेल हैं या दो सेल हैं तो इसमें तीन सेल हो जाएगा इसमें चार सेल हो जाएगा तो सेलों की संख्या सेल मतलब कि ये गोला सेलों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा जैसे जैसे उसका साइज बढ़ना चालू होगा तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो सेल की संख्या बढ़ती है लेकिन इधर जाते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर जो प्रोटोन होती है उसकी संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है जो सेल होती है वो कॉन्स्टेंट होती है जैसे तीन है तो पूरा जगह तीन ही रहेगा इधर पूरे लाइन में तो जब ज़्यादा प्रोटोन एक दूसरे को खींचेंगे तो ये सिकुड़ना चालू हो जाएगा यानी कि इधर जाने पर सेल सिकुड़ता है और इधर जाने पर सेल का संख्या बढ़ता है जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ता है तो देखिए बेरियम यहाँ पर है तो बेरियम नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा तो बेरियम के नीचे ही तो आ, सोडियम होती है बेरियम के नीचे ही सोडियम होती है देखिए आपको इससे समझाते हैं इस पर पूछा गया था बी ई टू प्लस है और आपको एक सोडियम मैग्नीशियम यहाँ दोनों के बारे में दिया है एक दिया है आपके फ्लोरीन के बारे में ठीक है तो यानी कि इधर जा रहे हैं तो इस सभी में बेरियम की अपेक्षा इधर कम होनी चाहिए साइज लेकिन बेरियम इसका आंसर कैसे होगा देखिए फ्लोरीन का एक्चुअल में बेरियम से कम होता है लेकिन फ्लोरीन पे अगर इलेक्ट्रॉन चलाया तो इसका जो साइज़ है वो बेरियम से बढ़ गया और आपने देखा कि इसमें टू प्लस है तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन खो के ये हाइड्रोजन वाला जो सेल है वो प्राप्त कर लेता है हाइड्रोजन में एक ही सेल है इसमें दो सेल है इसमें बेरियम में दो सेल है लेकिन हाइड्रोजन में एक ही सेल है तो जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन खोएगा तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन खोता है वो और सिकुड़ जाता है तो ये सिकुड़ के हाइड्रोजन जैसा हो जाएगा और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा ये और भी तगड़ा हो जाएगा यानी इसका जो साइज़ होगा वो पहले फ्लोरीन की अपेक्षा और भी बढ़ जाएगा तो ये बेरियम और कम रहा है और फ्लोरीन और बढ़ रहा है तो यानी कि बेरियम का ऑलरेडी कम हो चुका है और सोडियम प्लस भी कहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो जाके लिथियम बनेगा वैसे भी लिथियम बनेगा फिर भी हाइड्रोजन से ज़्यादा ही इसका साइज होगा मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन खो के लिथियम मान सकते हैं बन सकता है लिथियम या आप कह सकते हैं दो सेल वाला एलिमेंट बन सकता है लेकिन फिर भी जो बेरियम टू प्लस है वो तो एक सेल वाला एलिमेंट है, है यानी कि इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा बेरियम क्योंकि बेरियम टू इलेक्ट्रॉन खो के ये एक सेल वाला एलिमेंट बन जाता है तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गई अगला क्वेश्चन देखते हैं कहा है कि ए ए प्लस ए माइनस का आकार किस क्रम में पालन करते हैं मैंने अभी बताया जो न्यूट्रल होगा वो बीच में होगा और जो पॉजिटिव होगा वो सबसे छोटा होगा और जो निगेटिव होगा वो सबसे बड़ा होगा तो इसमें से कौन सा आंसर होगा सेम ही एलिमेंट के बारे में बताया था मैंने जैसे नाइट्रोजन है या सोडियम है कोई भी ले लें अगर पॉजिटिव होगा तो वो बीच में होगा निगेटिव होगा तो उसका साइज़ सबसे बड़ा होगा क्यों बड़ा हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उसके अंदर जो रिपल्सन हो रही है प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन जिसकी वजह से उसका साइज़ बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन जब खोते हैं तो उसके अंदर जो अट्रैक्शन होती है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है जिसके कारण सेल सिकुड़ जाता है तो इसका आंसर क्या होगा सबसे बड़ा कौन सा होगा सबसे बड़ा मैंने निगेटिव वाला को बताया था तो निगेटिव वाला सबसे बड़ा होगा ये सबसे बड़ा होगा और बीच में क्या होगा न्यूट्रल वाला और जो पॉजिटिव वाला होगा वो सबसे छोटा होगा ठीक है तो ये चीज़ें आपको समझ में आई अगला देखते हैं विच हैज़ द हाइस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखिए ये चीज़ें आपको याद करनी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कमती है एफिनिटी मतलब आकर्षण ऊपर से नीचे जाते हैं किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं जैसे फ्लोरीन हुआ क्लोरीन हुआ ब्रोमीन हुआ आयोडीन हुआ इस तरह से ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वो खींचने की क्षमता खोता चला जाता है तो यानी कि सबसे ज़्यादा खींचेगा फ्लोरीन हमारे कहने का मतलब तो यही हुआ कि सबसे ज़्यादा ऊपर वाला खींचेगा उसके बाद नीचे वाला खींचेगा उसके बाद ये खींचेगा उसके बाद ये खींचेगा यानी कि कहने का मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होनी चाहिए फ्लोरिन की होनी चाहिए तो आपका आंसर ये होगा लेकिन ये गलत है ये आपको एक्सेप्शन याद रखनी है कि इसमें सेकेंड वाला होती है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखती है और ये पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है क्लोरीन की होती है ये आप एक्सेप्शन मान के याद कीजिए हालांकि होना चाहिए नियम के अनुसार फ्लोरीन को लेकिन होता किसका क्लोरीन का ये आपको याद रखनी है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसकी होती है क्लोरीन की होती है, है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में पाँचवें आवर्त में कितने तत्व हैं देखिए मैंने आपको बताया था पेयड किसको कहते हैं इधर जो जाती है लाइन उसको कहते हैं पीरियड और ऊपर से नीचे जाती है उसको कहते हैं ग्रुप तो हमारे पीरियडिक टेबल में तो कह रहा है कि फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है तो फिफ्थ पीरियड ये वाला है ये वाला पूरा फिफ्थ पीरियड है आप देखेंगे यहाँ पे फाइव लिखा हुआ है तो आप इसको काउंट भी कर सकते हैं हालांकि होता है अठारह मैं आपको बता रहा हूँ कि अठारह होते हैं काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह ठीक है तो फिफ्थ ग्रुप में कित फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं अठारह इस तरह से आप एक बार पीरियडिक टेबल को याद रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी तो आशा करते हैं ये जो दस क्वेश्चन थे उसको मैं आसानी से आपको समझाया होगा एक बार नहीं दो बार इस वीडियो को देखिए आपको पीरियडिक टेबल समझ में आ जाएगा ठीक है तो अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद